गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। ये जो ना तो लास्ट क्लास में हमने कोर्सेज के बारे में, गुड नाइट सर, माइक म्यूट कर दो, माइक म्यूट करो। तो ये हिमांशु कुमार करके कोई है, ठीक है ना? तो जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ना, वी हैव स्टडीड अबाउट द हाउ टू प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम। हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था एंड कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वो हमने डिस्कस किया था। तो हम आगे बढ़ाते हैं, आज हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन। व्हाट इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैं इतना स्क्रीन पर माइक म्यूट कर दूं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा। तो वी स्टडी द लॉज ऑफ मोशन के कौन कौन से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। वी स्टडी द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो मैंने आपको बताया पूरी पूरी फिजिक्स में ना, हम अभी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स में सिंपल से दो तीन लॉ है ही। उसमें एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और कुछ कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ and what is the Newton's third, और इसी को how to apply in numerical। वैसे purpose आपका ये है कि we are going to study the NLM। ऐसे chapter को हम नाम जो देते हैं हम short में इसको NLM बोलते हैं, that is the Newton's law of motion। आप आपको ध्यान रखना है कि जो Newton's laws of motion है ना, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको ये concept clear होना चाहिए, concept of frame of reference। हाँ, यहाँ पे हम एक concept पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं concept of फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहां से हम किसी चीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा कि किसी भी सिचुएशन का हम फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, उसमें कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा से हो जाएगा किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप प्लॉट कर रहे हो, या किसी भी मोशन को आप अगर एनालाइज कर रहे हो तो किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो जिस भी फ्रेम के रेफरेंस में हम किसी चीज के मोशन को एनालाइज करते हैं उसी को हम क्या होता है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फिर ध्यान रखना कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसकी दो कैटेगरी होती है। पहला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, है ना। पहला जो फ्रेम होता है दिस इज नोन एज ए इनर्शियल फ्रेम। रेफरेंस की दो कैटेगरी होगी, एक पहला जो रेफरेंस फ्रेम है इसको हम क्या बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम आपका वो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ जीरो एक्सेलरेशन, फ्रेम ऑफ जीरो एक्सेलरेशन। ऐसा फ्रेम जिसमें कि एक्सेलरेशन जिसका जीरो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम का सिंपल सा जीरो एक्सेलरेशन का जो मतलब हो जाएगा, तो या तो फ्रेम आपका रेस्ट पे होगा या कैसे मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। वैसा कोई भी फ्रेम जो कि या तो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका इनर्शियल। और इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है। हम यहाँ पे जस्ट बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉ, व्हाट इज रिटन आफ्टर कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, वी कैन टॉक अबाउट द कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा कोई भी फ्रेम जो कि या तो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। हम ये बोलते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ है इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम, इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। ये जो न्यूटन्स लॉ है हमेशा किसमें वैलिड होता है, इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। तो इनर्शियल फ्रेम का सिंपल सा एग्जांपल हो गया, हम मान सकते हैं कि अर्थ पे अगर कोई भी चीज इस तरह से पर्सन खड़ा हुआ है तो इसका फ्रेम इनर्शियल है। कोई पर्सन इस तरह से स्टेशनरी है
वैसे तो अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है लेकिन उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो कोई भी पर्सन अगर अर्थ में इस तरह से खड़ा हुआ है तो उसका फ्रेम कैसा होगा? इनर्शिया। यहाँ हम ऐसा बोलते हैं कि कोई व्हीकल पे खड़ा हुआ है लेकिन जो व्हीकल है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पूरा का पूरा व्हीकल पे अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है इस तरह से तो ये जो व्हीकल है किससे मूव कर रहा है? आपका कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई भी फ्रेम जो कि या तो रेस्ट पे हो या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? सभी आपके इनर्शिया है ना। तो मोस्टली न्यूटन्स लॉ जो वैलिड होता है सिर्फ किसमें वैलिड होता है? आपके इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं। एक जैसे इनर्शियल फ्रेम है ऐसे हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये दूसरा फ्रेम होगा वी कॉल इट एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। कि जो सेकेंड फ्रेम होता है वी कॉल इट एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। तो ऐसा फ्रेम जो कि एक्सलेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। सिंपल सा हम ये बोलते हैं कि एक्सेलरेटेड फ्रेम राइट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसा? कोई भी फ्रेम जो कि एक्सेलरेट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? सभी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। तो अगर एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो इनर्शियल फ्रेम हो गया और अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसके फ्रेम को हम क्या बोलेंगे? सभी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये कोई व्हीकल है और इस पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है या कोई पर्सन है। अगर ये व्हीकल किसी एक्सलेशन से आगे जा रहा है ए है ना, अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो बेसिकली आपका ये इनर्शियल होगा। लेकिन अगर ये पर्सन अगर एक्सलेट हो रहा है तो इसका फ्रेम कैसा होगा? बेसिकली आपका नॉन इनर्शियल है ना। कि मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा कि भाई जो न्यूटन स्टॉर्म पढ़ रहे हैं जो भी लॉस पढ़ रहे हैं उस पर फ्रेम कौन सा है आपका अंडरस्टूड होगा जिसके अकॉर्डिंग भी हम न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसका फ्रेम कैसा होगा? जैसे आपका इनर्शिया। तो ऐसा कोई भी फ्रेम जिसके सर कैन यू प्लीज टेल व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया वर्ड यूज होगा हम पढ़ेंगे ना जब लॉज आएंगे तो इसमें इनर्शिया वर्ड यूज हां। यहां पे तो जस्ट हम फ्रेम की बात कर रहे हैं। जो इनर्शियल फ्रेम है ऐसा कोई भी फ्रेम जिसका कि एक्सेशन जीरो होता है उसको हम बोलते हैं इनर्शियल और न्यूटन्स लॉ उसी फ्रेम में वैलिड हो। तो बार बार न्यूटन्स लॉ में जब लिखूंगा ना तो मैं फ्रेम मेंशन नहीं करूंगा। अब मान के चलोगे कि जो भी हम फ्रेम ले रहे हैं फ्रेम कौन सा है आपका इनर्शियल। क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा कोई भी फ्रेम एक्सलेटेड अगर होता है तो इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं। न्यूटन्स लॉ उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वैलिड होता है जिससे कि फ्रेम क्या होता है आपका इनर्शियल। तो दो तरह के फ्रेम है इनर्शियल है नॉन इनर्शियल। देखो उसके हमें कोई स्टूडेंट जो है मुझे मैसेज कर रहा था कि आप मुझे हमें कोई हायर लेवल क्वेश्चंस की शीट दे दीजिए। तो देखो हायर लेवल क्वेश्चंस की शीट की बजाय आप जैसे एनसीईआरटी मॉड्यूल और एनटीएससी के अगर क्वेश्चंस कर ले रहे तो कोई दूसरी शीट की बजाय आप 11th की एससी वर्मा करना वो ज्यादा बेटर होगा। या आपके चैप्टर जो है ना 11th से मैच कर रहे हैं तो 11th की एससी वर्मा करना ज्यादा आसान ना, उससे ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आप इनफ टाइम और आपने 9th की एनसीईआरटी कर ली है 9th का जो बेस का मॉड्यूल था वो सॉल्व कर लिया है एनटीएससी के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं जो पूछे जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली वो हम करते हैं डाउट क्लास में। डाउट क्लास में मोस्टली क्वेश्चन एनटीएससी के होते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि अब मुझे और कुछ करना है और कुछ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि यू गो फॉर द 11th क्लास एससी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अगर किसी को करना है तो ऑप्शनल 11th क्लास एससी है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे और हायर लेवल की चीजें करनी है ज्यादा बेटर होता है कि इधर उधर के क्वेश्चंस इकट्ठा करने के बजाय यू गो फॉर दिस उससे आपको फायदा हो जाएगा कि आपको वो सेम चैप्टर आएंगे तो उसको आप इससे अटेंड किसी स्टूडेंट की एक होगी। इसलिए हम था 11th क्लास की एससी वर्मा आती है वॉल्यूम 1 इसमें अभी आप है ना वॉल्यूम 1 11th के लिए होती है ना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से वो ज्यादा बेटर होता है। जस्ट मैंने बता दिया किसी स्टूडेंट के ऊपर।
जस्ट हमने बात किया इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब हम इसके बाद आते हैं न्यूटन के लॉ के ऊपर, है ना कि भाई न्यूटन के बेसिक आपके कौन कौन से लॉ है ना। तो जो पहला लॉ है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना कि फर्स्ट लॉ इज सिंपली नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इन एब्सेंस ऑफ राइट एनी अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन एब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। तो लॉ ऑफ के बाद क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इनर्शिया जो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी एज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड इन यूनिफॉर्म मोशन, एंड इन यूनिफॉर्म मोशन राइट continue to move with constant velocity, with constant velocity। ये आपका law first law of motion होगा। अब वैसे बात है इसके लिए frame जो मैंने choose किया होगा वो inertial frame होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ unless in ninth में आपको confuse कर दूँ, है ना। understood है कि हम जो भी बात कर रहे हैं किससे बात कर रहे हैं inertial frame से। मैंने just ये बोला है कि in absence of any applied unbalanced force body is at rest, remain at rest, and in uniform motion continue to move with a constant velocity, right? मतलब body की जो tendency होती है वो अपने state में change को oppose करते हैं। हम simple सा बोलते हैं कि natural tendency of a body, natural tendency of a body, right? To oppose its rest, its state of rest or motion, rest of motion, right? Property known as inertia, property known as inertia, इसी को हम inertia बोलते हैं कि body की वो property जिससे कि अपने state में change को oppose करता है, natural tendency of body to oppose the change in, मैंने यहाँ पे change in में लिख देना, body to oppose the change in state of rest or motion property known as inertia। तो inertia जो body use कर रहा था ना इसलिए हम इसको law inertia बोलते हैं कि जब तक कोई आप external force नहीं लगाओगे उसका state of rest or motion change नहीं होगा। अगर rest पे है तो rest पे हाँ, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर क्या नहीं अप्लाई कर रहे हैं कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। वही मैंने लिखा है इन एब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन राइट, property known as inertia, and mass is the measure of inertia, and mass is the measure of inertia, measure of inertia। मतलब किसी body का अगर mass ज्यादा है तो उसका inertia भी ज्यादा होगा, अगर किसी body का mass कम है तो उसका inertia भी क्या होगा कम होगा अगर mass कम है। तो सिंपल सा जब भी आप first law of motion लिखोगे तो इसको हम इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं आते हैं। और इनर्शिया क्या होती है? मुझे इनर्शिया समझ में नहीं आया। प्रिसीज यस सर, मुझे इनर्शिया समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस लॉ से इनर्शिया को आप अलग से रखा है ना, मैं यहाँ पे अलग से वर्ड यूज कर सिंपल से हम यहाँ पे इनर्शिया वर्ड अलग से जोड़ देते हैं। सर आपने लास्ट लाइन में एंड मास इज आल्सो नोन एज क्या लिखा था? वो
मैं अभी लिख रहा हूँ बेटा, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, पहले आप इसको लिख लो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे हम इनर्शिया को इस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हाट इज इनर्शिया, है ना। तो इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज राइट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट और मोशन, मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, है ना। ये इनर्शिया होता है ना, इट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड एज ए इनर्शिया। एंड मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मास से हम इनर्शिया को क्या करेंगे, जैसे कि आपका मेजर करेंगे, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, जैसे कि आपका कम होगा। तो आपको पता है बॉडी की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कॉन्स्टेंट लॉसेस से मूव कर रही है तो कॉन्स्टेंट लॉसेस से मूव करना चाहती है ना। और इसी बॉडी की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका इनर्शिया, है ना। तो आपसे बता है इनर्शिया जो होता है वो तीन तरह का होता है, जब भी हम इनर्शिया वर्ड की बात करेंगे ना तो इनर्शिया को हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो पहला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हो जाएगा कि रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहिए जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई। दूसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब हो जाएगा कि अगर वो कॉन्स्टेंट लॉसेस से मूव कर रहा है तो वैसे ही मूव कर पाते, अगर उसको रोकना है मुझे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना कोई फ्रिक्शन जैसा। और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अपने आप वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं करे, डायरेक्शन चेंज के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो तीन तरह की इनर्शिया होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। और सारी चीज डिपेंड करती है मास के, this all depends on mass of the body. भाई जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, अपोज करने की उसकी टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। जैसे कई बार होता है ना कि वो फेमस वो क्वाइन वाला एक एक्सपेरिमेंट होता है, इस तरह से आपको ग्लास रखा हुआ ऐसे, और इसके ऊपर हम एक पेपर रख देते हैं और यहाँ पे आपका लिक्विड, वैसे बहुत एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे, ठीक है ना। आप क्या करते हो कि इस तरह से पेपर को फ्लिप कर दो, हम देखते हैं पेपर तो आगे चला जाता है, क्वाइन नहीं है, पेपर तो आगे चला जाएगा और ये क्वाइन यहीं पे गिर जाता है। वही चीज है कि अगर रेस्ट पे है तो अपने रेस्ट वाले स्टेट को मेंटेन करो, इसके साथ ही आगे नहीं जाएगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये क्वाइन यहाँ पे गिर जाता है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, एक बार इनर्शिया के बारे में आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको वो ज्यादा चीजें आएंगी। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ये सारे उसमें दिए हुए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, बहुत सारी चीजें हैं जिससे बस अचानक से स्टॉप हो गई। तो आप आगे क्लास 11 का एनसीईआरटी में इनर्शिया के बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वही बात है, कार्ड को अगर हम पुश करेंगे तो क्वाइन अपने इनर्शिया की वजह से यहीं पे ड्रॉप होगी, जैसे बस अचानक से रुक गई है, सडन ब्रेक होती है, तो आप दूसरे में थे तो बस तो रुक गए, लेकिन आप कैन यू प्लीज म्यूट ऑल। हां मैं म्यूट कर दूं बेटा, हल्ला बहुत कर रहे हो, है ना। इसमें आपको पता नहीं है ना, किसी ने भी अगर नया ज्वाइन किया है तो अपने माइक को बेटा वो म्यूट कर दो, ऑनलाइन क्लासेस में माइक हमेशा म्यूट में रहता है, है ना। सही बात है, ये सही बोला है कि भाई तेजस जसपाल सही बोल रहे हैं कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो रह जाएगा, कि अनलेस अंटिल उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करें। दिस इज सिंपली नोन एज ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। कोई चीज के बारे में आप नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी क्लास
उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई, तो वो थोड़ा सा रीड करोगे तो सारी चीजें आपको आएगी, है ना। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी अगर रेस्ट पे रहेगी तो रेस्ट पे, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हमारे अकॉर्डिंग सिंपल सा है कि मैथमेटिकली देखा जाए तो मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम अगर जीरो है, भाई एक्सटर्नल फोर्सेस का सम अगर किसी बॉडी के ऊपर जीरो है तो बॉडी का एक्सेशन भी क्या होगा, जीरो। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी के ऊपर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है तो उस बॉडी का एक्सेशन भी क्या होगा, जीरो। एक्सेशन जीरो होने का मतलब है रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और कॉन्स्टेंट लॉसेस से मूव कर रहा है तो कैसे मूव करेगा, आपके कॉन्स्टेंट लॉसेस। तो मैथमेटिकली हम ये चीज जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो फर्स्ट लॉ क्या, ऐसे हम आ जाते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर। जैसे आपने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया ऐसे हम आपके यहाँ पे आते हैं सेकेंड लॉ। हाँ बोलो बेटा। Sir, what have you written along with inertia of rest? Inertia of rest के बाद depends on mass. ये जो सारी चीजें किसके ऊपर depend करती है, mass पे। जिस body का mass जितना ज्यादा होगा उसके inertia उतना ही क्या होगा, ज्यादा। और जिस body का mass कम होगा उसके inertia उतना ही क्या होगा, कम। तो mass ही inertia को measure करता है कि body किसी चीज को कितना oppose कर रहा है या कितना inertia provide। ये फर्स्ट लॉ हो गया, ऐसे हो जाते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। तो सेकंड लॉ की प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन देखें, कोई बात है इनर्शियल फ्रेम होगा सब केस में, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सेकंड, है ना। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल से ऐसा हो जाएगा कि सिंपल सा हम ये वर्ड यूज करेंगे कि रेट ऑफ, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट, या सिंपल सा बोलते हैं कि नेट, अब ऐसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइट अप्लाइड unbalanced force, right, in the direction of force. ये आपका second law है। second law की जब भी हम बात करेंगे तो second law के statement आप इस तरह से देंगे, है ना, कि भाई rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये सारे के डायरेक्शन क्या रखेंगे, जैसे कि आपका सेम, राइट। तो ये आपका होता है सेकंड लॉ, है ना। और सेकंड लॉ को अगर हम लिखें, प्लस मैं ही बोल रहा हूँ कि जो अप्लाइड फोर्स होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई टाइम, है ना। और मोमेंटम हम जानते हैं क्या होता है, हम एक प्रॉपर्टी में यूज करते हैं मोमेंटम वर्ड। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। भाई मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका मोमेंटम। तो एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। भाई फोर्स की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी, इसमें डेल्टा पी जो है दिस इज सिंपली नोन एज ए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। So what is delta p, p by d? Delta p by d ही rate of change of momentum है। भाई delta p change in momentum और d by d। तो जब हम delta p by d लिखेंगे, तो इसी term को हम क्या बोलते हैं? Rate of change of momentum। Rate of mass into velocity है कि क्या है? Sir momentum mass into velocity है? हाँ momentum mass into velocity होता है। तो आप जानते ही हैं। कि भाई मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के क्या होता है, रिलेटिव फोर्स। वही मैंने बोला है कि जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होगा, रिलेटिव फोर्स। यही चीज होती है सेकंड लॉ ऑफ फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आपको एक चीज पता है,
कि जैसे हम चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करें है ना, तो मोमेंटम में चेंज तो बहुत वजह से हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज हो जाता है। लेकिन अभी मैं नॉर्मली मैग्नीट्यूड में चेंज की बात कर रहा हूँ। मैंने जस्ट ऐसा बोला आपसे कि कोई बॉडी एम मास की थी और ये किसी यू से मूव कर दी है ना, आपने कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब इसकी वेलोसिटी चेंज होके वी हो, आपने कोई फोर्स लगाया और वेलोसिटी को यू से क्या कर दिया कि आपका वी कर दिया। तो हम बोलेंगे इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा कि आपका एमवी हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे जस्ट मैंने एक वर्ड यूज किया है कि जो भी आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी बाई, मीन्स इसको हम ले सकते हैं डेल्टा पी की जगह पे आपका आ गया एम इंटू वी माइनस वी बाई टाइम। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखना कि एम इंटू वी माइनस टी बाई टी आपने लिया और फिर ध्यान दो ये जो वी माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन तो होगा यहाँ से मिल सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू एम हो जाएगा ना सर, कॉन्स्टेंट वन होगा सर, फोर्स इज इक्वल टू एम होता है ना। हाँ अभी बता रहा हूँ बेटा, तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड यूज करता हूँ भाई, एक्चुअल लॉ में जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कहीं भी इक्वालिटी नहीं बोला गया इसमें। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, मतलब एक टेबल बाय प्योर कर दिया, कि जस्ट लॉ में बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, आपने ये लिख लिया। अब ये लिखा तो चेंज इन मोमेंटम ये हो गया, टाइम ले लिया तो ये चीज आ गया F is directly proportional to क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप proportional sign लगाओगे ना तो यहाँ पे आप एक constant लगा सर, constant multiply करने हाँ constant multiply। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप mass kg में ले रहे हो है ना, acceleration अगर आप meter per second square में ले रहे हो है ना, और force अगर आप kg में ले रहे हो, so what is k, constant of proportionality इसको बोलते हैं है ना, यहाँ पे हम constant k है कोई k लगा देंगे, k is a constant। तो mass को अगर kg में ले लें, acceleration को meter per second square में ले लें और force अगर newton को ले लें, तो ये जो constant k की value होती है ये 1 k, ये 1 है। अगर 1 यूनिट ऑफ फोर्स में हम इसको यूज कर रहे हैं न्यूटन को, k की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 है, तो जब k की वैल्यू आप यहां 1 को करोगे तो f इज इक्वल टू हम यहां पे ma लिख सकते हैं। f इज इक्वल टू डेल्टा p / dB होता है ना, हां वो भी चीज है वहां पे, अगर हम इसमें भी यहां पे अप्लाई करते हैं, अगर फोर्स इज इक्वल टू हम लेते हैं यहां पे प्रोपोर्शन अगर सटा के कांस्टेंट डेल्टा p / dB है ना, तो इसमें भी अगर हम ऐसा यूनिट यूज करें तो k की वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ से फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो आपकी डेल्टा पी बैठी है। अगर हम बेसिक लॉ में इक्वालिटी इसमें p की कौन सी यूनिट होएगी, p की यूनिट मास इनटू वेलोसिटी, मास kg v मीटर पर सेकंड ले लोगे ना, ओके सर, इसमें जो p की यूनिट होगी ना मास आप kg में ले लो और v मीटर पर सेकंड ले लो, उस केस में k की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी आपकी 1। अगर ना लॉ में प्रोपोर्शनल वर्ड यूज होता है, प्रोपोर्शनल आएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, लेकिन चूंकि जो हम यूनिट ऐसे चूज करते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू बन, तो हम ये भी लिख लेते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा पी बाई, तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है,
इसी का दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि फोर्स किसके इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्सेप्ट आ गया कि सिंपल सा, अब यहाँ पे ना इतनी अगर आप सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ोगे तो सब चीजें मिक्स हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है ना, इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूँ। पहला पार्ट में हम इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करेंगे, सेकंड अभी मोमेंटम हम भूल जाए कि मोमेंटम नाम की कोई चीज हो। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी न्यूटन सेकंड लॉ आपसे कोई बोले तो अभी हम बात कर रहे होंगे एफ इज इक्वल टू एम, है ना। और अभी हम फ्रिक्शन वगैरह यूज नहीं करेंगे, फ्रिक्शन लेस की बात करें, एफ इज इक्वल टू एम यूज करना और फ्रिक्शन यूज नहीं करना। सेकंड में हम आएंगे इसी में फ्रिक्शन अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। और ये चीज हम एकदम अलग से पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, है ना। मोमेंटम को आप इससे मिक्स करते हैं, हालांकि दोनों चीजें सेम है कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी को ही अगर हम डेल्टा पी की वैल्यू पुट करते हैं तो एफ इज इक्वल टू एम आता है। लेकिन अभी आपको इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना है कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल सा ये था, किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स जीरो है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल था फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर फोर्स जीरो नहीं है तो क्या, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर फोर्स जीरो नहीं है तो क्या होगा, वो सेकंड लॉ में आ, अगर फोर्स जीरो नहीं है तो एफ किसके इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी को क्या करेगा, जैसे कि आपको एक्सेलरेट करेगा। तो आप अगर अभी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ, तो सिंपल सा आप एफ इक्वल टू एम। अभी हम मोमेंटम वर्ड बहुत ज्यादा इसमें एडजस्ट नहीं करते, है ना। अभी जस्ट हम बोलेंगे फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके अलावा हम इसकी किस चीज की बात। तो ये आपका हो गया सेकंड लॉ, ले जाओ वापस। फर्स्ट लॉ के बाद हम आ जाते हैं सेकंड लॉ पे, फर्स्ट लॉ के बाद हम क्या आ जाएंगे, जैसे कि आपके सेकंड लॉ पे। नहीं नहीं, इनर्शिया और फ्रिक्शन में कोरिलेशन नहीं बेटा, इनर्शिया सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करती है, इनर्शिया हैज नथिंग टू डू विद द फ्रिक्शन और इनर्शिया का कोई नहीं। हाँ, वेट के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है, उस वे में हम बोल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कोई इशू नहीं है। वो तो एक फोर्स है, क्या पाए सेकंड वन। अब आ जाते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज है थर्ड वन। इसके बारे में स्टूडेंट को ना बहुत कंफ्यूजन है, है ना। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ की, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जो डिस्कशन किया है मैंने, अगर एफ जीरो है तो ए जीरो हो, ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ हो गया, अगर एफ जीरो नहीं है तो एफ इक्वल टू एम ए हो गया, इसी को हम सेकेंड लॉ बोलते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड लॉ, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। जो थर्ड लॉ होता है इसको हम इस तरह से रीड करते हैं कि फॉर एवरी एक्शन फोर्स, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, राइट, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल सा हो जाएगा कि फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली, बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों एक्ट करते हैं, है ना। इज ऑफ सेम नेचर, इज ऑफ सेम नेचर एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ये पूरा स्टेटमेंट है कि फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि एक्शन पहले होगा रिएक्शन बाद में होगा, एक साथ करते हैं। सीरीज ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस के ट्रू होते हैं ना? हाँ, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट दोनों में। और सर नॉन कांटेक्ट में कैसे होता है? नॉन कांटेक्ट में होता है, मैं बताऊं, बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली। इस सेम नेचर का मतलब है कि वेट ग्रेविटेशन का रिएक्शन ग्रेविटेशन ही होगा, नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन नॉर्मल ही होगा, टेंशन का रिएक्शन टेंशन ही होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का रिएक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा, हमेशा सेम नेचर के होते हैं एंड एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। कभी भी रिएक्शन और रिएक्शन एक बॉडी से एक्ट नहीं करते,
अगर एक बॉडी के ऊपर एक्शन लग रहा है दूसरे बॉडी के ऊपर क्या लगेगा रिएक्शन। ये तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो फोर्स भी बोलना जरूरी है, तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं पता है, अच्छा एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं है ना, मतलब किसी ने इस पर एक झापड़ मारा दूसरे ने भी मार दिया, बोले जो न्यूटन थर्ड, तो न्यूटन थर्ड लॉ कोई जनरल लॉ थोड़ी है ना, कि लाइफ का लॉ नहीं है, इसमें फोर्स लगाना जरूरी है। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली इज ऑफ सेम नेचर एंड एक्ट ऑन द डिफरेंट लॉ। मतलब इसका इंडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्सेस कम्स इन पेयर, कम्स इन पेयर, या हमेशा फोर्सेस पेयर में आते हैं, अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी जरूर होगा, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में है ना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा स्टूडेंट कई बार गलत सोचते हैं भाई, वो एक्शन रिएक्शन समझ नहीं पाते कौन सा एक्शन होगा कौन सा रिएक्शन। जैसे हम पढ़ रहे थे ना लास्ट क्लास में, हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे है ना, तो मैं नॉर्मली कई स्टूडेंट से पूछता हूँ, इलेवेंथ क्लास के भी ट्वेल्थ क्लास के भी, कई बार ट्वेल्थ के पास करने के बाद भी आते हैं, उनसे मैं जब पूछता हूँ ना कि सपोज करो ये आपका अर्थ है ना, और यहाँ पे कोई ब्लॉक ऐसा सरफेस, इस ब्लॉक का मास है ना, मैं अगर बाप से बोलूं कि व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, कौन कौन से फोर्स है, सब जानते हैं इस ब्लॉक के ऊपर mg नीचे सर डाउनवर्ड mg सर नॉर्मल फोर्स वर्टिकल एक ग्राफ का नॉर्मल है ना, एक तो वेट लग जाएगा और एक ग्राफ का नॉर्मल फोर्स, दो फोर्स तो होंगे वेट एंड नॉर्मल फोर्स है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि इसमें वेट एक्शन है and this normal force is reaction, can we say ye kya sahi statement hai ki weight action hoga aur normal force, yes sir, reaction reaction ho hi nahi sakte kabhi hai na, ki bhai isme ye dono action reaction ho hi nahi sakte, galat hai hai na, this is not action reaction, this is not action reaction, abhi tere ko ये दोनों एक्शन रिएक्शन होने इसलिए भी हो सकते है ना, कि हालांकि इक्वल एंड अपोजिट है ना, इक्वल एंड अपोजिट का मतलब ये हो गया कि फोर्स ऑन द वन टू इज इक्वल टू द माइनस ऑफ फोर्स ऑन द टू, जितना फर्स्ट पे सेकंड फोर्स अप्लाई करता है उसी का अपोजिट सेकंड किसके ऊपर अप्लाई करेगा, फर्स्ट के ऊपर है ना, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, वेट नीचे है एंड ऊपर है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट से एक्शन रिएक्शन नहीं होते हैं, ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम नेचर के नहीं, ये आपका ग्रेविटेशन है, ये नॉर्मल, बेटा माइक म्यूट करो अदरवाइज मैं ऑफ कर दूंगा फाइनली। फिर आपने एफ के नीचे 1 2 लिखा है, हां एफ 1 2 लिखा है, फोर्स ऑन द 1 ड्यू टू द 2 इज इक्वल टू द माइनस ऑफ फोर्स ऑन द 2 ड्यू टू 1, माइक म्यूट करो नहीं तो फिर मैं म्यूट कर दूंगा सबको, मैं इसलिए माइक म्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में आप थोड़ा बहुत पूछते हो, मैं बता सकता हूँ जानना, ये एफ वन द वन टू का मतलब हो जाएगा, ये एफ वन टू का मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन वन फर्स्ट बॉडी वन ड्यू टू टू, ये इक्वल होगा फोर्स ऑन टू वन के, F21 का मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी ड्यू टू वन है ना, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही हमेशा होता है, F12 किसके इक्वल होगा माइनस F21 है ना, वही मैंने बोला कि एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं, इसलिए नहीं है कि तो सेम नेचर के नहीं है, और दूसरा एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे थोड़ी लगता है, इसी एक बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं लगेगा, अगर एक पे एक्शन लग रहा है दूसरे पे क्या लगेगा, आपका रिएक्शन लगेगा, तो आप ध्यान देना आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है फिर इस mg का रिएक्शन क्या होगा, तो पेयर में तो आना है, इस नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन क्या होगा, ना अगर एक्शन इस पे लग रहा है तो रिएक्शन अर्थ के ऊपर, अगर मैं अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम दूं तो अगर अर्थ किसी बॉडी के ऊपर को अपनी तरफ mg से अट्रैक्ट कर रही है तो ये बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ के सेंटर में भी एक एमजी है, हालांकि अर्थ बहुत फ्यूज होती है ना,
तो उस फोर्स का इसके ऊपर इफेक्ट ही होगा। कहीं लगता है किसी बॉडी को एमजी की फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये बॉडी भी अर्थ के को अपनी तरफ सेम फोर्स से अट्रैक्ट। एक तो एमजी लग गया सेंटर ऑफ द अर्थ पे, और दूसरा ये नॉर्मल, अगर ये कॉन्टेक्ट सर्फेस है तो बॉडी की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग गया, तो सेम कॉन्टेक्ट सर्फेस पे अर्थ के ऊपर भी एक नॉर्मल फोर्स है। तो अगर मैं m mass free body diagram now, तो इसके ऊपर एक वेट लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। जब अर्थ का बनाऊंगा तो अर्थ के अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी बॉडी को अर्थ को अट्रैक्ट करता है, और अगर ऊपर नॉर्मल लग रहा है तो नीचे भी नॉर्मल लगेगा। अब इसमें एक्शन रिएक्शन आते हैं, यहाँ भी बोलेंगे कि अगर ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन नॉर्मल एंड नॉर्मल, अगर इस नॉर्मल को मैं बोलता हूँ कि एक्शन है तो उसके रिएक्शन ये नॉर्मल। अब सही है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों सेम नेचर के हैं और अलग अलग। अब बोलो बेटा आपको तो सर जो इसमें है सर, इसमें नॉर्मली जो mg होगा वो n के बराबर होएगा, पर एक्शन और रिएक्शन नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, n mg के इक्वल होगा, n mg के इक्वल तो पक्का होगा, लेकिन एक्शन रिएक्शन नहीं। देखो स्टूडेंट सोचते हैं ना, अच्छा इक्वल तो है तो एक्शन रिएक्शन होगा, इसलिए क्योंकि सेम नेचर नहीं और एक ही बॉडी पे अंदर बॉडी के अंदर एक बॉडी में लगते हैं, अगर एक पे एक्शन लग रहा है तो हम बोलेंगे अगर ये वाला नॉर्मल जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन ये नॉर्मल है जो कि अर्थ या फ्लोर के ऊपर लग रहा है। अगर ये वेट एक्शन है जो कि ब्लॉक के ऊपर लग रहा है तो जो अर्थ के सेंटर पर फोर्स लग रहा है वो रिएक्शन होगा। याद रखना एक्शन रिएक्शन नॉर्मल एंड एमजी नहीं, तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट। नॉर्मल का रिएक्शन इसके ऊपर नॉर्मली, वेट का रिएक्शन इसके ऊपर भी क्या होगा सकते आपका वेट ही हो, तो ग्रेविटेशन का रिएक्शन ग्रेविटेशन ही होगा। नॉर्मल का रिएक्शन क्या होगा सकते आपका नॉर्मल होगा। हमेशा ध्यान रखना कि इक्वल एंड अपोजिट ही एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाता है ना, उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली is of same nature and act on the different. इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसका ही है। F12 is equal to क्या हो जाएगा? Minus F. ये तीन स्टेटमेंट है। This is third. तो मैथमेटिकली देखा जाए ये तीन लॉ को मैंने यहाँ पर समराइज किया। F zero acceleration zero होगा। अगर F zero नहीं है तो F equal to ma होगा। और F12 हमेशा किसके इक्वल होगा? Negative of F2 होगा। एक्शन एंड रिएक्शन क्या बात है, रिएक्शन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा कई बार इसके ऊपर एनटीएसएल क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कई बार वाइवा में पूछते हैं, वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन एक्शन रिएक्शन पे। सर आप एक्शन वाला फिर से रिपीट कर सकते हैं? बड़ा कुछ नहीं है, एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी में लग रहे हैं तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। अगर ये नॉर्मल जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है अगर एक्शन है तो जो फ्लोर के ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा रिएक्शन, दोनों सेम नेचर के और अलग अलग बॉडी के, इस पे लग आपके अलग अलग और फोर्सेस हमेशा पेयर्स में, फोर्सेस हमेशा क्या आते हैं जैसे कि आपके पेयर्स। तो ये न्यूटन्स के थ्री लॉस, न्यूटन्स के थ्री लॉस क्या हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसी न्यूटन्स के लॉ से एक मोमेंटम का लॉ भी जुड़ा हुआ, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसको मैं इस तरह से ड्राइव करता हूँ, सपोज मैंने बोला ये कोई बॉल है, इसका मास m1 है, ये किसी u1 से ऐसे जा रहा है,
और एक कोई दूसरी बॉल है या बॉडी है, इसका मास m2 है ये u2 से ज्यादा, u1 is greater than u2। तो अगर u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होगी, दोनों अगर सेम लाइन के अलोंग जा रहे हैं तो दोनों कोलाइड करेंगे। आप कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे ना, कोलिजन करेंगे तो वन और टू एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, बेसिकली आपका फोर्स है। सिंपल सा बोलेंगे कि अगर ये बॉडी आपकी पहली वाली वन है और ये टू है, तो सेकंड बॉडी वन के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, इसको हम बोलेंगे एफ वन टू, और ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, इसको हम बोलेंगे एफ टू। भाई टू वन के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उसका वन भी टू के ऊपर सेम फोर्स लगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर। वन पे एक्शन लगा, टू पे क्या लग गया, जैसे कि आपका रिएक्शन, और कांस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वन की वेलोसिटी सपोज वी वन हो जाती है कोलिजन के बाद, और जो टू की वेलोसिटी होती है ना, ये आपकी सपोज वी टू हो जाती है। ये मैंने एक सिचुएशन ली कि m1 m2 मास u1 u2 से मूव कर रहे थे, u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा है, कोलाइड हुए, कांटेक्ट में है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, और इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी u1 से कितनी होगी, v1, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v2 से कितनी होगी, जैसे कि आपकी आपकी u2 से v2 होगी। अब आपने अभी पढ़ा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। अभी आपने जस्ट ये पढ़ा कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जैसे आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैं F12 ले लूं, F12 इक्वल हो जाएगा M1 इंटू V1 माइनस M2 इंटू V2 बाय टाइम, सही और इन टर्म M2 इंटू M1 इंटू, सही है, यहाँ पे देखा एम वन इंटू क्यू या समझे भाई, इसका मोमेंटम पहले एम वन इंटू यू वन था, अब मोमेंटम कितना हो गया इंटू इंटू इंटू, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन बाय टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में फोर्स के एफ टू वन हो गया, एफ टू वन में हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा m2 into v2 minus m2 into u by time। कि भाई इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसने इसके मोमेंटम को चेंज कर दिया, सेम फोर्स इसके ऊपर लगा, उसने इसके ऊपर मोमेंटम को चेंज कर दिया, और अभी हमने बोला कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों एक्शन रिएक्शन, तो अगर ये एक्शन रिएक्शन है तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, कि अगर थर्ड लॉ की हम बात करें तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि एफ वन टू किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ एफ टू, तो दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ से आपका आ जाएगा एम वन वी वन माइनस एम वन टू, बोलो क्या पूछ रहे हो, क्या करेगा कि भाई यहाँ से आपने बोला थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एफ वन टू किसके इक्वल हो जाएगा माइनस एफ टू वन, मतलब ये जो चीज होगी इक्वल हो जाएगी माइनस ऑफ ये पूरा टू m2 v2 minus m2 into u2 by time, हाँ भाई जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ टाइम तो कैंसिल ही हो गया, और जब टाइम कैंसिल हो गया तो थोड़ा सा इसको अच्छे से आप लिख लो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे m1 v1 plus m2 v2 है ना, इसको इक्वल टू पे क्या हो जाएगा m1 u1 plus m2 u2। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया, ये जो चीज थी ये कोलिजन के बाद मोमेंटम था सिस्टम का, मैं दोनों का मोमेंटम कोलिजन के बाद, और वो वाला टर्म क्या था कोलिजन के पहले, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन है ना, कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। है ना, और ये जो चीज थी इसको हम लिखेंगे
So your video is hung. So your video is hung. So your video is hung. Hello. So you have muted yourselves. हाँ अब सही है आवाज आ रही है मेरी यस यस हाँ बता दिया करो इसलिए तो मैं म्यूट नहीं करता आपको ये तो फिर पता लगी चलती रहेगी मीटिंग कुछ पता ही चलेगा ये आप आ गए डॉक्टर नंदू क्या आप ध्यान रखना यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल पे कंसेप्ट आ गया क्या चीज एक्सटर्नल होती है क्या चीज इंटरनल होती है अगर मैं वन को सिस्टम लू एफ वन को एक्सटर्नल टू को सिस्टम ले लो टू वन एक्सटर्नल लेकिन अगर हम दोनों को सिस्टम ले लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे बीच वाला फोर्स क्या हो जाएगा इंटरनल हो जाएगा है ना सिंपल बोलेंगे फॉर वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक वर्ड लिख देंगे फॉर कॉम्बिनेशन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए फोर्सेस इंटरनल कि अलग अलग के एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए फोर्स कौन सा हो जाएगा इंटरनल हो जाएगा तो मतलब ये यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जितना सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा उतना ही क्या होगा सकते आपका बात मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम और इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जस्ट हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जैसे अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं तो बाहर से कोई फोर्स थोड़ी लग रहा इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंसिस्टेंट मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व रिमेन कंजर्व है ना इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट अगर किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जितना सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन के पहले होगा उतने सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन के क्या होगा बाद में मीन्स मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू द मोमेंटम इनिशियल मीन्स सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व वही मैंने बोला कि भाई पहला आ गया फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आपके स्कूल का एग्जामिनेशन में पूछते हैं थर्ड लॉ को यूज करके प्लान टाउन आप लोग यस वीडियो इज ब्लर्ड यस सर वीडियो इज ब्लर्ड योर वीडियो इज ब्लर्ड अभी ठीक है सॉरी योर नेटवर्क इज देयर इट्स फाइन नाउ अभी ठीक हो जाएगा वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स सर व्हाट इज आफ्टर मोमेंटम ऑफ सिस्टम मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड In absence of any external force, momentum of system remain conserved. निकलो भी आता है मेरे को। ये हम आपको तो दोबारा से आपको ये चार चीजें हमें करनी हैं। First law, second law, third law, fourth law of conservation of energy. अगर external force नहीं है तो system का momentum क्या रहेगा? Conserved. ये हम
तो मैं तीन पार्ट में करके पढ़ाऊंगा, पहले अभी पढ़ेंगे फ्रिक्शन की वर्ड यूज नहीं करेंगे, फिर सिर्फ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फिर मोमेंटम के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें होती हैं। आपके स्टेटमेंट है एप्लीकेशन ऑफ एपिसोड के एमए, ये हम कैसे अप्लाई कर, सबसे पहला पार्ट है ना कि हाउ टू अप्लाई द एपिसोड टू एमए। और इसको पढ़ने से पहले हम एक वर्ड यूज करेंगे, एक क्लिप में इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इक्विलिब्रियम, वही चीज अगर इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन, मीन पोजीशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन पोजीशन, द मीन पोजीशन, मीन पोजीशंस का इक्विलिब्रियम से मतलब नहीं, मेन कांसेप्ट इक्विलिब्रियम क्या होता है, द ग्राफ में जो सर जो जीरो वाली लाइन होती है, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस, है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी राइट इज बैलेंस, एक्ट ऑन ए बॉडी इज बैलेंस, जब भी किसी बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं जब वो बैलेंस हो जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्सेस क्या हो रहे होंगे, बैलेंस हो रहे, कोई अनबैलेंस फोर्स है ही नहीं, इसलिए तो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ अनबैलेंस फोर्स, तो जब बॉडी के ऊपर सारे फोर्स बैलेंस हो जाते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना, आपको पता है कि अगर फोर्सेस बैलेंस हो गए मतलब कोई अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, अप्लाइड फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है रेस्ट, या तो रेस्ट, जब बॉडी के ऊपर सारे फोर्स बैलेंस होते हैं और बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, उसको हम क्या बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब बॉडी रेस्ट पे रहेगी, जब बॉडी रेस्ट पे रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एक और भी है, बॉडी कैसे मूव कर सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आप सबसे पहली चीज जो मैकेनिक्स में पढ़ते हो हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, आपसे बार बार मैं बोलूंगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में तो रेस्ट पे रह सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है, तो रेस्ट पे है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सारे फोर्सेस क्या होंगे बैलेंस, तो जो सबसे पहले जो मेटल्स आएंगे ना वो इक्विलिब्रियम के ऊपर ही आते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल अगर इक्विलिब्रियम के हम अगर हम न्यूमेरिकल देखें तो एज एग्जांपल वन में ऐसा बोल सकता हूँ, इक्विलिब्रियम के अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको ही आता है, एग्जांपल ना मैंने क्या किया यहाँ पे इस तरह से so your video is again hung, yes sir and our block tie karke apne hand sir, can you repeat what you have said, repeat sir? Yes sir, so the screen is blurred, yes sir, yes sir, so can you repeat, so your screen is blurred, अब तो वाईफाई आ गया, अब तो नहीं होना चाहिए, हाँ वाईफाई चल रहा है,
हाँ देखो कुछ नहीं, मैंने जस्ट ये बोला कि इक्विलिब्रियम तो हो जाएगा कि ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी इज बैलेंस, और इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टैटिक मींस बॉडी रेस्ट पे, और एक होता है डायनेमिक मींस फोर्सेस का सम होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैंने ये बोला कि इक्विलिब्रियम पे एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये आपका सपोज कोई रूफ है और ये साइड वॉल है, तो देयर बॉडी इज ब्लर्ड, सो द बॉडी इज ब्लर्ड, ये देखो एक आपकी स्ट्रिंग है कोई और एक दूसरी स्ट्रिंग आपकी है, इससे आपने एक थर्ड स्ट्रिंग ली और एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है m, एंड दिस एंगल इज गिवन, ये आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल दिया गया है ना, ये जो एंगल है इस तरह से हैंग कर दिया आपने और स्प्रिंग से आपने हैंग किया। हेलो हाँ बोलो, हाँ ये आपका गया सर, ये आपका कोई ब्लॉक है, इससे आपने एक स्ट्रिंग यहाँ पे हैंग किया, एक स्ट्रिंग यहाँ हैंग किया और एक यहाँ हैंग किया, और ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे, रेस्ट पे मतलब है कि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, तो आपको इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा, सपोज दिस टेंशन इज गिवन, इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा, सपोज दिस टेंशन इज गिवन, और इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, सपोज दिस टेंशन इज गिवन, ये ऑल स्ट्रिंग विल बी अंडर टेंशन, तो आपको इस केस में ये बताना है कि फाइंड आउट T1 कितना होगा, T2 कितना होगा और T3 कितना, ऑल थ्री स्ट्रिंग्स में कितना टेंशन, ये आपको टेंशन रेफर करो, टेंशन कितना होगा आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द T1 T2 एंड T3, ये कितना होगा, हाँ इन टर्म्स ऑफ mg, आपका जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ mg है, मास अगर m है तो mg के टर्म्स, जो भी आपका आंसर आ रहा मुझे बताओ तो मैं एक्सप्लेन करूँ, T1 T2 एंड T3 की वैल्यू देखनी है, what is the T1 T2 and T3, जो भी आपका आंसर आ रहा है मुझे मैसेज करो, चैट कर सकते हो आप मुझे, हाँ अनवेश मिश्रा सही आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का, बीच वाला एंगल ये 90 होगा बेटा, ये वाला एंगल तो 90 है ही ना, हाँ T1 एंड T2 इज 90, सही हाँ सही है, सही है, ये वाला एंगल 90 होगा, ये परपेंडिकुलर, दिस टू आर परपेंडिकुलर, दिस टू आर परपेंडिकुलर,
काफी आंसर सही आ रहे हैं। टी1 का तो सबने एमजी बोला है। देखो टी1 का आंसर मत भेजो, टी1 तो एमजी के इक्वल होगा ही। टी1 का आंसर मत भेजो, टी2 टी3 का भेजो। टी1 तो मुझे पता है भाई, इसका जब हम स्कॉलर का फ्री बॉय डायग्राम बनाएंगे ऊपर टी1 लगेगा, नीचे वेट लगेगा, है ना। तो जो टी1 होगा वो एमजी के इक्वल है। टी1 किसके इक्वल हो जाएगा? एमजी के। नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको नहीं आता है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन। देखो सब लोग ट्राई मत करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। आई विल एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन, बाकी ऐसे क्वेश्चन आए तो बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन योर क्वेश्चन, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम ध्यान से देखना है ना। देखो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में होता है, हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम फोर्स डायग्राम बना लेंगे, और सेकंड स्टेज में वी बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। ये दो स्टेप्स होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम लाओ और फोर्सेस को हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। आपको अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, इधर आपका आ जाएगा T2 और इधर जो आएगा ये आपका T3, और इधर वैसे T1 आना चाहिए, क्योंकि हमेशा टेंशन जो भी चीज आप ट्रांसफर करते हो उससे अवेल है। इस तरफ T3, इस तरफ T2, इधर T1 आ गया। लेकिन अभी आपने प्रूव किया है कि T1 जो है वो MG के इक्वल, T1 और MG क्या है आपके सेम, कैसे हम बना लेंगे। उसके बाद आपको ये पता है एंगल, ये एंगल आपका 60 डिग्री, यहीं पे आ जाता है कि फोर्सेस को बैलेंस करने से पहले आप यहाँ पे रिजोल्व करना पड़ेगा। ऐसे किसी भी डायरेक्शन में बैलेंस नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेपरेटली करते हैं। हम फोर्सेस कैसे बैलेंस करेंगे, इन ऑल डायरेक्शन सेपरेटली, इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मैं हॉरिजॉन्टल में अलग से करेंगे, वर्टिकल में अलग से करेंगे। तो आप देखो ये चीज वर्टिकल है, ये चीज हॉरिजॉन्टल है, और जो चीज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रिजॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, कोई भी अगर इस तरह से वेक्टर है, अगर ये किसी एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जहां से थीटा एंगल बनाता है वहां पे इसका कॉस कम पड़ेगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जाता है, जैसे कि आपका साइन कम, इसलिए तो आपने सीखा इसे। यहाँ भी ऐसे ही है, T3 के दो कंपोनेंट आ जाए, T3 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये आपको हो जाएगा T3 कॉस, और T3 का जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये आपका हो जाएगा T3 साइंस। रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेपरेट करना है ना बैलेंस ऑफ, तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जो वर्टिकल है उसको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जो किसी एंगल पे होगा उसको हम रिजॉल्व करेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि जो T2 cos 60 होगा इधर, जो T3 cos 60 अगर मुझे मिल सके, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा होता है यहाँ पे T3 cos 60 ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ये इसके T1 पे तो बैलेंस करेगा या वेट बैलेंस करेगा, तो हम बोलेंगे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो T3 cos 60 किसके इक्वल हो जाएगा, वेट। यहाँ से T3 की वैल्यू आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1/2 होती है, यहाँ से T3 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 2 mg आ जाएगी,
जिसमें जो टी थ्री होगा वो किसकी तो हो जाएगा सर आपके एम जी है ना, और ये भी बैलेंस होंगे जैसे ये तो आपने वर्टिकल बैलेंस किया वर्टिकल बैलेंस कर दो तो टी टू जो होगा वो किसके को हो जाएगा टी थ्री साइन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लेट फोर्स इज इक्वल टू राइट और जनरल वर्टिकल हम सेपरेटली करते हैं यहां से टी टू की वैल्यू भी आ जाएगी टी थ्री एम जी है साइन सिक्सटी कितना होता है टू थ्री राइट यहाँ से टू टू कैंसिल टी टू की वैल्यू आपकी आ जाएगी टू थ्री तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया हुआ है इवन एम जी आ गया टी टू की वैल्यू टू एम जी के और जो टी थ्री होगा ये रूट थ्री एम जी अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा वो एम जी के इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा टू एम जी के और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो रूट थ्री एम तो आपको कुछ नहीं करना है सर आपने शायद गलत लिख दिया वहाँ टी टू की वैल्यू शायद वहाँ थ्री रूट थ्री एम जी सर आपने उस डायग्राम में क्या लिखा है टी टू और टी थ्री की आपने वैल्यू उल्टी लिख दी हाँ गलती कहाँ पे गलती लिख दी अच्छा अच्छा ऐसा है अच्छा यहाँ ये टी थ्री हो गया ये टी थ्री हो गया है ना भाई टी थ्री हो जाएगा आपका और टी टू तो हमने निकाल ही लिया टी थ्री टू एम जी के है ना और ये आपका सही है ना बेटा बीच बीच सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन अभी बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन लेंगे बीच में कोई ना कोई अपना माइक ऑन कर सकता है सारी घर की बातें करनी फिर मैंने बोला कि अगर मैं जहाँ पे जंक्शन तीन उस टाइम का है अगर मैं उसको कैंसिल करूँ यहाँ पे वेट लग जाएगा नीचे एम जी आ गया टी थ्री इधर लग गया और टी टू इधर अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को सेपरेटली बैलेंस करना है और टी थ्री को हम रिजॉल्व करेंगे तो जहां से एंगल बनता है वहां पे कॉस आ गया और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ गया साइन आ गया मतलब ये फोर्स वेट को बैलेंस कर रहा है तो टी थ्री कॉस सिक्सटी इज इक्वल टू वेट आ गया मीन्स टी थ्री की वैल्यू टू एम जी के और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बैलेंस हो गया मतलब इधर टी टू है इधर टी थ्री कॉस सिक्सटी ये दोनों चीजें बैलेंस हुई और साइन 60 क्यों लिया ये थ्री और साइन 60 क्यों लिया इधर लेना पड़ेगा ना क्योंकि लेफ्ट फोर्स को राइट फोर्स बैलेंस करेगा ना वो थ्री थ्री के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन ही तो आ रहा है ना इस डायरेक्शन में जो चीज होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले को अलग वर्टिकल को अलग बैलेंस करेगा सर आपने नीचे वाले डायग्राम में क्या लिखा है हां पिक्चर में ये यस सर एक्सक्यूज सर मैंने रिजॉल्व करने का एग्जांपल लिया इसका एक्सक्यूज सर सर टी थ्री वाले में साइन क्यों नहीं लिया साइन से की डिग्री क्यों नहीं लिया इसमें सर टी थ्री वाले में लिया था साइन सिक्सटी सर वो तो टी टू वाले में लिया सर टी थ्री वाले में क्यों नहीं लिया थ्री वाला कौन सा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हम ले रहे हैं वर्टिकल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या चीजें टी वन है एम जी है और टी थ्री कॉस सिक्सटी इन दोनों को ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे ना और ये जो मैं ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेपरेट ले रहे हैं तो जब हम वर्टिकल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल भूल जाएंगे और जब हॉरिजॉन्टल लेंगे तो वर्टिकल भूल जाएंगे ऐसा क्या है कुछ भी पूछ रहे
भाई का ये कंपोनेंट है T3 और 60 नीचे वेट को बैलेंस कर देगा, तो दोनों इक्वल हो गए। T3 का ये वाला कंपोनेंट T3 sin 60 आ गया, ये राइट वर्ड है, ये T2 को बैलेंस कर देगा। तो लेफ्ट फोर्स को राइट फोर्स बैलेंस करेगा, अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा। वही मैं ले दिया, ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो गए, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहां से T3 की वैल्यू आ गई। अब इस T3 को यहां पुट कर दिया मैं, sin 60 आपको पुट नहीं दिखाऊं, T2 की वैल्यू अभी फाइनल आंसर है। T1 इतना होगा, T3 इतना होगा, T2 इतना होगा। हम इस तरह से कर सकते हैं रिजॉल्व करने का। यहाँ पे हम क्या करेंगे यूज, एक और क्वेश्चन देता हूँ इससे आपको क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन, किसी को थोड़ा सा फील कर दे या ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन, बस एंगल चेंज कर दे ना, एंगल हम क्या कर देते हैं बेसिकली आपका चेंज कर। हाँ, इसको और भी मेथड होता है बताऊंगा मैं, पहले आप इससे सीख। ये आपका ऐसा है, इससे आपने एक स्ट्रिंग अटैच किया है ना, और इससे आपने एक ब्लॉक है ना, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 60, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। आपको बताना है T1 कितना होगा, T2 कितना होगा एंड T3। T1 को आपको एमजी के इक्वल, आप T2 देखते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द T2 एंड T3। जो भी आंसर आ रहा है मैसेज करूंगा। फाइंड आउट T1 तो MG आ गया, T2 T3 कितना, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम है ऑफकोर्स रेस्ट पे इक्विलिब्रियम। हाँ सही है, मन आपका आंसर। नहीं ठीक से करो बेटा, अमन आपका आंसर सही नहीं है, ठीक से करो, ठीक से कैलकुलेट करो, ऐसे कुछ भी नहीं, जैसा मैं रूल बता रहा हूँ ऐसे करो, अपनी तरफ से दिमाग में करो। इधर T3 आ गया, इधर T2 आ गया, एरो का ध्यान रखना, एरो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ एमजी, एरो अवे लेना है। T1 तो MG के इक्वल होगा, हाँ सही है ऋषित आपका आंसर सही है, अंकित वर्मा आपका सही है ना, श्रेया गोयल आपका आंसर सही है, सही बोल दीजिए श्रेय गोयल आपके दोनों आंसर सही है, श्रेय गोयल
हाँ अंकित आपका सही आंसर है, पूरा आंसर सही है। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अभी वेट करो, 2000 लोग को और सॉल्व कर लेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। सेम क्वेश्चन ही, एंगल ही चेंज। टू और टी थ्री दोनों की वैल्यू सेम आएगी? नहीं सेम तो कभी आ ही नहीं सकती। आप सही कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे, कुछ इधर उधर के कंसेप्ट फालतू के यूज कर रहे हो, उसकी वजह जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। हाँ देखो सही बता रहे थे आंसर, जैसा आंसर लोगों ने देखा है मेरे ख्याल से ये आंसर सही है। T1 की वैल्यू तो mg है, T2 स्टूडेंट्स ने भेजा है mg by root और T3 जो भेजा है वो 2mg by root, ये आंसर सही है। cos 60 की जगह cos 30 लेना है बस। हाँ बस ये आंसर भेजना है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि भाई ये एंगल अगर 60 डिग्री है ये तो 90 है ही, तो आपको तो यहाँ से ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाए, तो कैसे करेंगे मैं बता दूँगा। भाई टी वन तो एम जी है, मैंने इधर एम जी बना दिया, इधर टी थ्री बना दिया, इधर टी टू बना, तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेपरेट करना होता है ना, तो वर्टिकल अलग हॉरिजॉन्टल अलग। प्रॉब्लम ये है कि टी टू तो हॉरिजॉन्टल है, वेट वर्टिकल है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसकी स्थिति को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने का तरीका ये होता है जहां से एंगल बनता है वहां पे इसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा T3 cos, इसी वेक्टर के कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या रहेगा T3 sin। अब सही, अब इसको हम भूल जाएंगे इस T3 को, कंपोनेंट से मतलब एक बार कंपोनेंट निकाल दिया फिर इस T3 से मतलब कर दिया। हम देखेंगे कि भाई वेट नीचे लग रहा है तो उसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो क्या बैलेंस कर रहा होगा T3 को, यहाँ से T3 cos 30 बैलेंस कर रहा होगा वेट, वर्टिकल फोर्स को वर्टिकल फोर्स ही बैलेंस कर, यहाँ से T3 की वैल्यू आ गई cos 30 √3/2 होता है, यहाँ से जो T3 की वैल्यू आ गई है वो 2/√3 है। हाँ वही उल्टा कर देगा, अपने देखना पड़ेगा ध्यान से, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट बैलेंस करेगा तो T2 का एरो इधर है और इस T3 से मेरे को मतलब नहीं, T3 के कंपोनेंट से और T3 साइन 30 इधर है तो लेफ्ट को राइट बैलेंस कर देगा, यहाँ से T2 की जो वैल्यू होगी वो T3 साइन 30। अब T3 कितना है आपको बताइए, 2/√3 और जो साइन 30 है वो हाफ, हाँ सब कैंसिल हो गया। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्ट्रिंग में इतना खिंचाव होगा या इतना टेंशन डेवलप होगा, है ना, अगर ये टेंशन बहुत है तो स्ट्रिंग टूट भी सकती है, टेंशन से तो स्ट्रिंग टूटती है, स्ट्रिंग का एक कैपेसिटी होती है, अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी। तो आज हमने थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के एक दो क्वेश्चंस, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, टाइम भी हो चुका है, इसको आप ठीक से एक बार एनसीईआरटी से और मुकेश के मॉडल से रिवाइज करके आए, हां तो नेक्स्ट क्लास में इसी काम करेंगे। हैव अ नाइस डे सर, 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 थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे सर, बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर, हां बोल सर, T2 की वैल्यू T3 sin 30 होगी? हां ओके सही है, हो गया हो गया